गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम यशवीर कश्यप। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर टू। चैप्टर नेम इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ये क्लास सेवन्थ का सिविक्स का चैप्टर टू है। और इस चैप्टर में हम पिछले वीडियो लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हेल्थ क्या होती है, उसके मीनिंग के बारे में, ठीक है। हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में जो हेल्थ फैसिलिटी हैं वो किस टाइप से हैं, कैसी हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हमारा, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। तो देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो देखिए, इसमें बताया गया कि जो फ्रॉम द एबव स्टोरी यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन टू कैटेगरीज। देखिए, इसमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो टू टाइप्स की बताई गई हैं, ठीक है। टू टाइप्स से हेल्थ केयर फैसिलिटी बताई गई है, उसको टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी पब्लिक हेल्थ सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, एंड सेकंड है आपकी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। तो इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में, ठीक है, कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कौन सी होती हैं, कैसे वो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं सिटीजन्स के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो एक हेल्थ सेंटर्स की एक चैन होती हैं, एक तरह से मतलब चैन के रूप में होती हैं। और इसमें आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो आपके गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती हैं, क्लियर। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड कैन आल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेस। और देखिए, इसमें बताया कि दे आर लिंक्ड, वे एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, ठीक है। दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, जो आपके रूरल और अर्बन एरियाज यानी कि शहरी क्षेत्रों के जो मतलब सिटीजन्स होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के जो सिटीजन्स होते हैं उनको एक तरह से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती हैं। उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स का वो ट्रीटमेंट करती हैं। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज, और जो कॉमन इलनेस होती है मतलब किसी तरह की उनको डिसीजेज होती हैं, बीमारियाँ वगैरह होती हैं, तो उनको भी स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं उनके लिए, ठीक है, जिससे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके अर्बन एंड रूरल एरियाज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर्स वेयर देयर इज यूजली अ नर्स एंड विलेज हेल्थ वर्कर्स। देखिए, इसमें एट द विलेज लेवल, जो विलेज लेवल होता है मतलब जो ग्रामीण स्तर होता है, उसमें क्या होता है कि जो हेल्थ सेंटर्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ पर सामान्यतः क्या होता है कि नर्स होती हैं, ठीक है, और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, ठीक है, नर्सेस होती हैं और विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। देखिए, और जो नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं इनको सामान्यतः ट्रेंड किया जाता है कॉमन इलनेस को डील करने के लिए। जो कॉमन इलनेस होती हैं, जो सामान्यतः बीमारी होती हैं, उनको
डील करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए इनको ट्रेंड किया जाता है वर्क अंडर। और ये जो वर्कर्स होते हैं ये डॉक्टर्स के सुपरविजन में, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके सुपरविजन में ये अपना वर्क करते हैं, ठीक है, जिसको PHC कहते हैं। PHC की फुल फॉर्म होती है आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PHC, ठीक है, तो PHC होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सच अ सेंटर कवर मैनी विलेजेज इन रूरल एरियाज। इसी तरह से जो बहुत सारे विलेजेज होते हैं रूरल एरियाज में, वो उन विलेजेस को, वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं उनको ये सेंटर्स कवर करते हैं, उन विलेजेस को कवर करते हैं, यानी कि उन विलेजेस में जो भी डिसीजेज फैलती हैं, जो भी बीमारियां फैलती हैं, उनका ये ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। और इसके अलावा आपके होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, जिला स्तर पर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज के हों चाहे आपके अर्बन एरियाज के हों, उन सभी का वो सुपरविजन करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो उन सबको सुपरवाइज करता है, ठीक है, वो उन सब की देखभाल करता है एक तरह से, ठीक है। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज द वंस इन हाकिम शेख स्टोरीज। हाकिम शेख्स स्टोरीज, देखिए जो बहुत बड़े सिटीज़ होते हैं, लार्ज सिटीज़ होते हैं, उनमें बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, यानी कि एक से अधिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। जैसे कि इसमें जो हमने स्टोरी है हमारे इस चैप्टर में दी हुई, अमन की और हाकिम शेख की स्टोरी दी हुई है, उनको जिस तरह से हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया था और कैसे उनका ट्रीटमेंट किया गया था, ठीक है, उसके बारे में ये स्टोरी दी हुई है। तो उसी के बेस पर जो लार्ज सिटीज़ होते हैं उनमें बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनको पब्लिक हेल्थ सेंटर्स भी कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, द हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजंस। देखिए जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो पब्लिक कहलाती हैं, ठीक है, और उसको पब्लिक कहलाने के कई रीजंस होते हैं, जैसे कि इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। और ये जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं ये सभी सिटीजन्स के लिए आपके फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किए गए होते हैं, इनकी स्थापना की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा इन हॉस्पिटल्स की एंड हेल्थ सेंटर्स की, इन हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की गवर्नमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं, क्लियर। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दी सर्विसेज आर ऑब्टेंड फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। और देखिए इनको जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, इनको गवर्नमेंट रन करती है, तो गवर्नमेंट को रन करने के लिए इनमें क्या होता है कि उसके लिए कुछ मनी की आवश्यकता पड़ती है इसको चलाने के लिए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ये मनी ऑब्टेन करती है, तो ये कहाँ से ऑब्टेन करती है, कहाँ से ये प्राप्त करती है, द पब्लिक से है, पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। जो पब्लिक होती है वो गवर्नमेंट के लिए टैक्स पे करती है, उससे जो गवर्नमेंट को अर्निंग होती है वो इन हॉस्पिटल्स को उस अर्निंग से ही रन करती है, क्लियर। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मीन्ट फॉर एवरीवन। और इस प्रकार से, इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ होती हैं
वो एवरीवन के लिए होती हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये फैसिलिटीज होती हैं, कोई भी इस फैसिलिटी का लाभ ले सकता है एक तरह से, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज दैट इज मीन्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आदर फ्री और एट अ लो कॉस्ट। और देखिए ये जो हेल्थ केयर होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इनमें जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ये बहुत लो कॉस्ट पर प्रोवाइड करा की जाती हैं, या तो बहुत कम पैसे लिए जाते हैं या बिल्कुल फ्री होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है। कोई भी इसमें मतलब ट्रीटमेंट का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, या लिया भी जाता है तो जैसे मान लिया कोई आपका बहुत कम मात्रा में पैसा लिया जाता है, बहुत कम मनी में ही इसमें काम चल जाता है, सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। और इसीलिए यही रीज़न होता है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो इसमें ट्रीटमेंट कराने आते हैं, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज सच एज टीवी, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा। और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन, और इन हेल्थ केयर सेंटर्स का, हॉस्पिटल्स का दूसरा फंक्शन ये है कि जो हेल्थ पब्लिक हेल्थ होता है, ठीक है, टू टेक एक्शन, उसके लिए ये एक्शन लेती है प्रिवेंट स्प्रेड, जैसे कोई बीमारी वगैरह कोई डिसीजेज फैलती हैं स्प्रेड होती हैं, जैसे कि टीवी हो गई, मलेरिया हो गई, जॉन्डिस हो गई, कॉलरा हो गया, इस तरह की अगर कोई भी किसी तरह की बीमारी फैलती है तो ये उनको प्रिवेंट करती है, ठीक है, उनको रोकती है एक तरह से, ठीक है। डायरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, एट्सेट्रा, ये डिसीज होती हैं, इनको ये इन पर रोकथाम लगाती है एक तरह से, ठीक है। दिस दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज नॉट इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल वेन टेकिंग अप अ कंपेन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स एट्सेट्रा, दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेस इन द एरिया। और देखिए इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इसमें पीपल होते हैं जो ऐसे कुछ पीपल्स के लिए किसी तरह की कोई डिसीजेज हो रही है, जैसे मॉस्किटो बहुत अधिक फैल रहे हैं किसी एरिया में, तो उनको मतलब रोकने के लिए जैसे वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स एट्सेट्रा हैं, इनमें मॉस्किटोज बहुत अधिक मात्रा में फैलते हैं, बहुत अधिक संख्या में फैलते हैं, तो क्या होता है कि इन पर ये रोकथाम लगाती है और उनको मतलब कई तरह से जैसे आपके पोलियो हो गया, पोलियो के लिए मतलब एक अभियान चलाती है ये, और पोलियो की रोकथाम के लिए वैक्सीन वगैरह मतलब डोज दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जो मलेरिया वगैरह फैलता है उसके लिए भी ये रोकथाम लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए कई तरह के अभियान चलाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो बीमारियां फैलती हैं उनको रोकने के लिए ये कई तरह के अभियान चलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, वुड यू लाइक नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस, ये हाकिम शेख के बारे में इसमें दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा जो संविधान है उसमें उसके अनुसार ही मतलब कुछ गवर्नमेंट की ड्यूटीज दी गई हैं, ठीक है, जिसमें प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की, सबसे पहली ड्यूटी ये होती है कि वो यहाँ के पीपल के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करे, ठीक है, एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, और सभी के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, मतलब सभी के लिए ट्रीटमेंट का कुछ ना कुछ मतलब उपाय करे, जिससे कि वहाँ जो किसी तरह की कोई भी बीमारी फैल रही है तो सभी सिटीजन्स के लिए उस बीमारी को दूर करने के लिए उसका
इलाज हो सके, ठीक है। तो इस तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने का भी गवर्नमेंट का एक वर्क होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, और जो गवर्नमेंट होती है, राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन मतलब प्रत्येक व्यक्ति का एक तरह से जो लाइफ होती है उसको सेफ रखने का गवर्नमेंट का एक मतलब सेफ गार्ड है, एक तरह से उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने सिटीजन्स के लिए उनके लाइफ को सेफ रखने के लिए वर्क करे, ठीक है, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। क्लियर। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। जैसे कि कोर्ट ने कहा था, इसमें कोर्ट ने कहा था कि डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख, जैसे कि हाकिम शेख की जो डिफ़िकल्टीज थी जिसका उसने सामना किया था, ठीक है, कॉस्ट हिज लाइफ, और एक तरह से उसने अपनी मतलब अपना जीवन खो दिया था, ठीक है, बीमारी की वजह से। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, यदि कोई भी हॉस्पिटल टाइम से मेडिकल ट्रीटमेंट किसी पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। तो इसका मतलब ये है कि दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, कि जो इस तरह से लाइफ का जो प्रोटेक्शन है वो प्रत्येक हॉस्पिटल्स का ये कर्तव्य बनता है कि वो हर एक व्यक्ति का समय पर ट्रीटमेंट करे और उसका जो लाइफ में जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो भी उसे बीमारी है उसको वो किसी तरह से दूर करे, ठीक है। तो समय पर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये वर्क किया जाना चाहिए। क्लियर। द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। और देखिए, इसमें बताया कि जो कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर किया गया था कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वह जो नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज हैं, जो आवश्यक हेल्थ सर्विसेज हैं, वो अपने सिटीजन्स के लिए प्रोवाइड कराए। इसमें आपका आता है इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट भी इंक्लूड है इन इमरजेंसी सिचुएशंस, और जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, और जो हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ होता है, ठीक है, उसकी भी ये ड्यूटी होती है कि वो सभी जो भी मतलब पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट समय से करे, ठीक है, उनका जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो उनका किया जाना चाहिए उनके द्वारा, ठीक है। हाकिम शेख वाज डेंड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, देयर फॉर द कोर्ट आस्क द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। देखिए, इसमें बताया कि जो कोर्ट से पूछा गया था कि कोर्ट ने पूछा था स्टेट गवर्नमेंट से गिव हिम द मनी, कि उसको मनी दी जाए दैट ही हैड स्पेंट, जो वह खर्च कर सके अपने ट्रीटमेंट पर। मतलब जब हाकिम शेख के पास कोई भी पैसा नहीं था उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो वो मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी गया था, तो वहाँ उसके लिए मतलब ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला था। तो कोर्ट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट को ये आदेश दिया था कि वह उसके ट्रीटमेंट के खर्च के लिए उसको कुछ मनी दे, ठीक है, गिव हिम द मनी। क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। देखिए, अभी तक हमने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा, और यहाँ पर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दिया हुआ है। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरह से अपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं, ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे।
देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री। देखिए, जो हमारी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अधिक संख्या में है, बहुत मतलब अधिक हैं एग्जिस्ट इन अवर कंट्री, हमारे देश में। ठीक, हमारे देश में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक्स, और बहुत अधिक संख्या में डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं, अपने उनके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, वो उनको रन करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, इन द रूरल एरियाज में वन फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जिसको आर एम पीज कहा जाता है। ठीक है, RMPs कहा जाता है, RMPs की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, जो मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं और एक तरह से रजिस्टर्ड होते हैं रूरल एरियाज में, उनको RMPs कहा जाता है। क्लियर, अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, अर्बन एरियाज में बहुत अधिक संख्या में डॉक्टर्स होते हैं, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, और बहुत सारे इनमें से मतलब इन सर्विसेज में स्पेशल होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी मतलब हर एक अपनी डिसीज़ में वो स्पेशल होते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने हर एक बीमारी के अपने अपने स्पेशलिस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स। ठीक है, देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड। देयर आर हॉस्पिटल्स, और जो ये हॉस्पिटल्स होते हैं एंड नर्सिंग होम्स होते हैं दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, ये उनके खुद के द्वारा रन किए जाते हैं, अपने प्राइवेट होते हैं एक तरह से, और ये किसी एक के द्वारा ही मतलब इनका एक ऑनर होता है, उसके द्वारा ही ये चलाए जाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ही ये रन किए जाते हैं। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एट्सेट्रा, और उनमें बहुत सारी लेबोरेटरीज होती हैं। ठीक है, जो कि पेशेंट का टेस्ट करती हैं, कई तरह से टेस्ट करती हैं, ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज, और स्पेशल फैसिलिटीज का ऑफर करती हैं एक तरह से, जैसे कि एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए, जैसे किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्सरे करा सकता है, अल्ट्रासाउंड करा सकता है, इसी तरह से और भी तरह तरह के टेस्ट इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं, लेबोरेटरीज में किए जाते हैं। ठीक है, देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसन्स, और इनमें एक शॉप भी होती है जहाँ से हम मेडिसिन खरीदते हैं, जहाँ से हम दवाइयाँ खरीदते हैं। ठीक है, जिसको मेडिकल स्टोर भी कहा जाता है। क्लियर, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, एज द नेम सजेस्ट्स, जैसे कि इसमें नेम सजेस्ट किया जा रहा है, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं ये अपने किसी ऑनर के द्वारा चलाई जाती हैं, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती हैं। ठीक है, अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस दैट दे यूज। और इसमें बताया गया कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उनकी जगह पर जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ होती हैं ये पेशेंट से बहुत अधिक मनी पे करती हैं। ठीक है, बहुत अधिक पैसा लेती हैं, मनी लेती हैं एवरी सर्विस दैट दे यूज, जो भी सर्विस वो यूज करते हैं, उन पेशेंट जो भी सर्विस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, उन सर्विस के यूज का जो मतलब मनी होती है, जो पैसा होता है, वो बहुत अधिक पैसा लेती हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक है, टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड, और आज हम देखते हैं कि जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं
वो हमारे चारों तरफ बहुत अधिक संख्या में हमें दिखाई देती हैं। हम देख सकते हैं उनको कि प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं बहुत अधिक संख्या में होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स है दिल्ली का, और इसमें पोस्ट ऑपरेशन मॉम इन द लीडिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए दिखाया गया है जो पेशेंट हैं पूरे हॉस्पिटल में किस तरह से अपनी फैसिलिटीज ये ले रहे हैं वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन फैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिंस। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। देखिए इसमें बताया कि जो ये बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है, कंपनीज होती हैं ये हॉस्पिटल्स को, इसमें बड़ी कंपनियां होती हैं वो हॉस्पिटल को रन करती हैं, एंड सम आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का भी वर्क करती हैं, एंड सेलिंग मेडिसन्स हैं और वो मेडिसिन को भी सेल करती हैं। मतलब बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो अपने हॉस्पिटल्स चलाती भी हैं और अपने मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उनको उन हॉस्पिटल्स में वो सेल करती हैं दवाइयों के लिए, ठीक है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, और जो मेडिकल शॉप्स होती हैं वो कंट्री के प्रत्येक कॉर्नर में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इन एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इसमें बताया इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में हम ये देखते हैं कि हमें वी फेस अ सिचुएशन, हम ऐसी सिचुएशन का फेस करते हैं, सामना करते हैं वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, जहाँ पर जो प्राइवेट सर्विसेज हैं इंडिया में वो बहुत अधिक इंक्रीज हो रही हैं, बहुत अधिक संख्या में बढ़ती जा रही हैं, बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो उतनी नहीं बढ़ पा रही हैं, ठीक है, उतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं हो रही जितनी तेज़ी से प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं। क्लियर। व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, दीज आर कंसेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। देन व्हाट इज देन अवेलेबल टू पीपल, और ये लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज, ठीक है, जो प्राइवेट सर्विसेज होती हैं ये लोगों के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं और इनमें जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। दीज आर कंसनट्रेट इन अर्बन एरियाज, और ये अर्बन एरियाज में कंसनट्रेट होती हैं, ठीक है। एज दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, और ये जो सर्विसेज होती हैं ये बहुत अधिक प्रॉफिट के लिए मतलब रन की जाती हैं, मतलब अधिक से अधिक फ़ायदा लेने के लिए ये रन की जाती हैं, क्योंकि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो अपना अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि हमें अधिक से अधिक पेशेंट से प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज रादर हाई, इसीलिए इन सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। मेडिसन्स आर एक्सपेंसिव, और इनकी जो मेडिसन्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट एफोर्ड देम, और बहुत सारे लोग होते हैं, पीपल होते हैं जो इनको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इन सर्विसेज को नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली होती हैं, और हैव टू बारो मनी, या जो करते भी हैं तो वो मतलब मनी बारो करते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं, मनी उधार लेते हैं। वेन देयर इज एन इलनेस इन द फैमिली, जब उनकी फैमिली में कोई भी बीमार हो जाता है, ठीक है, तो उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए वो या तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते हैं, अगर ले भी गए तो उन्हें किसी न किसी से पैसा उधार लेना पड़ता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, इन ऑर्डर टू अर्न
मोर मनी, यानी कि ये अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहती हैं, ठीक है, अधिक से अधिक मनी अर्न करना चाहती हैं। दीज प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज प्रैक्टिस दैट आर इनकरेक्ट, और जो इन प्राइवेट सर्विसेज की जो ये प्रैक्टिसेस होती हैं इनकरेज होती है, ठीक है, दैट आर इनकरेक्ट, ये एक तरह से इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। एट टाइम्स चीपर मेथड्स दो अवेलेबल आर नॉट यूज्ड एट टाइम्स, और ये कभी कभी क्या होता है कि चीपर मेथड्स होते हैं इनके, दो अवेलेबल आर नॉट यूज्ड हैं, जो यूज के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इट इज कॉमन टू फाइंड डॉक्टर्स प्रस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसन्स, जैसे कि क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो अननेसेसरी मेडिसन्स दे देते हैं, जैसे मान लिया किसी को किसी तरह की कोई भी बीमारी है, तो उसके साथ में मतलब उस बीमारी के साथ साथ वो उसमें और भी मेडिसन्स लगा देते हैं, ठीक है, जिससे उनकी अधिक से अधिक अर्निंग हो सके, इंजेक्शंस दे देते हैं, एंड सेलाइन बॉटल्स और जो बॉटल्स होती हैं वो लगा देते हैं। वेन टेबलेट्स आर सिंपल मेडिसन्स कैन सफिस, ठीक है, और कुछ टेबलेट्स होती हैं वो सिंपल मेडिसन से भी मतलब काम चल सकता है, लेकिन उसमें भी वो एक्स्ट्रा लगा देते हैं, ठीक है। इन फैक्ट ऑफ बियरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल मेडिसन दैट दे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इलनेस, और इस तरह से कुछ पीपल होते हैं वो इन बीमारियों को ठीक अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए बहुत कम ही इसका लाभ ले पाते हैं, ठीक है। जो पुअर पीपल होते हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने से बहुत बहुत कम जाते हैं, ठीक है, और जो रिच पीपल होते हैं उनके पास मनी अधिक होती है, वो उतना एक्सपेंस करने के लिए मतलब सक्षम होते हैं, तो वो उनका उन सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक तरह से काफ़ी इनकरेक्ट है, ठीक है। हैंस इवन फॉर दोज होम वन माइट नॉट थिंक्स एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंस कॉज हार्डशिप, इट वाज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु वर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंस, और इसमें बताया कि जो मतलब पुअर पीपल होते हैं, ठीक है, जो रिपोर्टेड करते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार यह अध्ययन पाया गया कि जो 40% पीपल होते हैं हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं फॉर सम इलनेस, कुछ बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से, हैव टू बोरो मनी, वो पैसा उधार लेते हैं, मनी उधार लेते हैं, ठीक है, और सेल सम देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, और या तो वो किसी से पैसा उधार लेते हैं और पैसा उधार नहीं लेते हैं तो उनकी कुछ मतलब बहुत बहुमूल्य चीज़ें होती हैं उनको वो बेच देते हैं, ठीक है, बेचते हैं, सेल कर देते हैं फॉर एक्सपेंसेस, इनका पैसा देने के लिए, हॉस्पिटल्स का जो पैसा होता है वो चुकाने के लिए, मेडिकल का जो पैसा होता है वो चुकाने के लिए ये अपनी बहुत जैसे गहने बेच दिए हैं उनके पास जो होते हैं उनको बेच देते हैं या फिर किसी से पैसा उधार लेते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर दोज हु आर पुअर, वे लोग जो गरीब होते हैं एक तरह से, एवरी इलनेस इन फैमिली इज अ कॉज ग्रेट एनेक्साइटी एंड डिस्ट्रेस, व्हाट इज वर्स इज दैट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, और इस तरह से क्या होता है कि ये जो सिचुएशन होती है इलनेस की, ठीक है, ये अगेन एंड अगेन हैपन होती रहती है पुअर पीपल के साथ, ठीक है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडरस्ट दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड
they are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc. और these families are not eating. और ये जो families होती हैं, इन poor peoples की जो families होती हैं, उनके लिए much as they should, जितना वो मतलब चाहते हैं उस हिसाब से उनको मतलब खाने के लिए नहीं मिल पाता है, मतलब प्योर फूड नहीं मिल पाता है, शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता है. दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटीज, और ना ही उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है, अनिवार्य आवश्यकताएँ होती हैं, वो भी प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं. लाइक जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर उनके लिए ठीक से अवेलेबल नहीं होता है, एडिक्वेट हाउसिंग, हाउस भी नहीं होते हैं, ठीक है, और हाउस होते भी हैं तो उनके लिए जो क्लीन सराउंडिंग्स होता है, जो शुद्ध वातावरण होना चाहिए, वो नहीं होता है, ठीक है. इस तरह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल. और यही रीज़न होता है कि जब वो शुद्ध खाना नहीं मिलता है उनके लिए, शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, और जो घर होते हैं उनके वो एक तरह से क्लीन एटमॉस्फेयर में नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसका इफ़ेक्ट उन पर ये पड़ता है कि वो बहुत अधिक बीमार पड़ते रहते हैं, फॉल इल. द एक्सपेंस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स. और इस तरह से क्या होता है कि जो इनकी बीमारियों का जो एक्सपेंसेस होता है, जो खर्च होता है, मेक देयर सिचुएशन इन वर्स, उनको और अधिक प्रॉब्लम्स में डालता रहता है, उनको और अधिक कर्ज में डुबोता रहता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी